नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल टेक फॉर यू पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक वेबसाइट के बारे में जो होगी सरकारी रिजल्ट की तरह, तो लगभग उसी तरीके से होगी, जिसमें हम प्रयोग करेंगे डीवी का और प्रयोग करेंगे गो डैडी होस्टिंग का। डोमेन नेम भी गो डैडी का होगा। तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं, किसी भी वेबसाइट का निर्माण करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक डोमेन नेम, दूसरा होस्टिंग, और तीसरा होता है क्रिएशन। क्रिएशन जो होता है वो डिपेंड करता है आप पे, या आप किसी को देते हैं, किसी डेवलपर को। तो आप खुद भी बना सकते हैं या किसी डेवलपर से भी बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सीखना है खुद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसका काम कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, आपको जाना है गोडैडी अकाउंट पे, और वहाँ से आपको अपना डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करना है। तो आप कोई भी कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप जाइए मेरी वेबसाइट arunmaurya.net पे, और यहाँ क्लिक करना है होस्टिंग पे। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है कुछ बेहतर कंपनियों का। तो मैंने पहला नाम दिया है इंटरसर्वर का, दूसरा होस्टगेटर, तीसरा बिगरॉक, और तीसरा दिया है गोडेडी का, ब्लू होस्ट का और वेब होस्टिंग पैड डॉट कॉम का। तो आपको इसमें से दोनों तीनों में से जो ऊपर के हैं कोई भी चुन लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। कहीं ना कहीं जाके आपको, अगर आप पे ट्रैफिक आती है तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ता है, लेकिन इसका पहले और दूसरे का जब प्रयोग करेंगे तो आपको कोई भी बदलाव, कभी भी अपग्रेड की समस्या नहीं होगी, और कॉस्ट भी चीप है। तो यहाँ पे आपको $5 में मिल जाता है, यानी केवल 350 के आसपास की कॉस्ट आती है, और यहाँ पे तकरीबन 500 पे। यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट SSD क्लाउड के साथ आप पाते हैं इसमें, इंटर सर्वर में। तो आप इंटर सर्वर पे जा सकते हैं, कहीं से भी गोडैडी पे होस्टिंग खरीदिए या डोमेन नेम कोई कहीं से खरीदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका डोमेन नेम किसी एक सर्वर पे है और होस्टिंग दूसरे सर्वर पे है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। आप उसको नेम सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, और होस्टिंग से जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं क्या करना है। तो हमें गोडैडी पे जब यहाँ पे परचेज़ कर लेंगे तो माई होस्टिंग पे या माई अकाउंट पे चलेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वेबसाइट का नाम है असम गवर्नमेंट जॉब। इसका मैंने cPanel इंस्टॉल कर लिया है होस्टिंग के माध्यम से। तो इस cPanel को हम लॉगिन करेंगे, सबकी तरह लगभग उसी के लुक में दिखेगा। यहाँ पे आपको cPanel की सारी डिटेल दिखने वाली है। तो आपको ये cPanel दिख गया, यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल करना है, फिर इसी वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका डैशबोर्ड ऑन हो जाएगा। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ऑन हो गया, और इस वेबसाइट को हम देखते हैं क्या इस पे हुआ है। तो इस वेबसाइट के देखेंगे तो यहाँ पे इतना सारा काम हुआ है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप से आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो चलिए, हमने बता दिया होस्टिंग, डोमेन नेम और कैसे क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें थीम का प्रयोग हुआ है। थीम का नाम है डिवी। डिवी जो है एलिगेंट का प्रोडक्ट है, आप जानते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए डिवी का यहाँ पे अपडेट आ गया है, लेकिन अपडेट इस पे कौन सा आया है, 9.3 था, 9.5 आ गया है, अपडेट आ गया है बिल्कुल यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपडेट का ऑप्शन पे नहीं आएगा अगर आपने कोई फेक या क्रैक वर्जन या कहीं से नल वर्जन लिया हुआ है। तो अगर आपने ओरिजिनल लिया हुआ है तभी ये आएगा। ओरिजिनल कैसे पता चलेगा, आपको डीवी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। डीवी ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे अपडेट्स पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखिए कि यूज़र और API की इंसर्ट हुआ है कि नहीं। अगर यूज़र API की इंसर्ट नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए API की, और इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और ना ही उस पे कोई लूप पता चल पाता है। क्योंकि जितने भी जो आउटडोर लूप्स पता करते हैं तो उस पे क्या होता है, नया अपडेट आ जाता है, और जिससे आपकी वेबसाइट सुरक्षित रहती है। तो चलिए, एलिगेंट थीम का ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे जाना है आपको, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे $89 एक वर्ष की कॉस्ट है, 1 ईयर की, और $249 है लाइफ टाइम एक्सेस की। तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अपना नाम डालना है और पासवर्ड डालना है, जस्ट यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको डीबी थीम में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते $89,
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो यहाँ पे करने के बाद ये आपका नई थीम आ जाता है और प्लगइन्स मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए प्लगइन्स बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण प्लगइन हैं, ब्लूम और मोनार्ट, जो कि बिल्कुल फ्री हैं इस इन थीमों के साथ। तो ब्लूम और मोनार्ट जो होता है, ब्लूम जो होता है मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के लिए, मोनार्ट जो होता है सोशल के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लगइन है दोनों। तो यहाँ पे हम चलते हैं, आप थीम, ये हमने आपको क्या करना है, थीम को इंस्टॉल कर देना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे न्यू थीम पे क्लिक कर देना है। न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड कर देना है थीम, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये सारी सिंपल चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब चलता हूँ यहाँ पे प्लगइन्स पे चलता हूँ, और मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्लगइन्स जो इंस्टॉल किया है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो ये ऑक्सीमेट होता है, ऑक्सीमेट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है एंटी स्पैम। तो इसको आप यहाँ से जाइए और अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, कहाँ पे आप अकाउंट करिए, वो क्या कहते हैं wordpress.com का एक, अगर आपके पास है उसको लॉगिन करिए, अगर नहीं है तो उसको एक साइन अप करिए, वहाँ से API लेकर के यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा। सेकेंड चीज़ है ब्लूम। ब्लूम मैंने बता दिया है कि ब्लूम जो होता है यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप मेलचिंप या कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बट मैं रिकमेंड करूँगा मेलचिंप, ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बना दिया है। और यहाँ पे इजी गूगल फॉन्ट टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और यहाँ पे देखिए ईमेल सब्सक्राइबर न्यूज़लेटर का प्रयोग हम करेंगे ईमेल के लिए। अगर आप ब्लूम का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनसाइट का प्रयोग किया गया है, गूगल एनालिटिक्स द्वारा वेरिफिकेशन होता है, इससे आपको ट्रैफिक की जानकारी मिल जाती है। हेडर एंड फुटर मैंने डाल दिया, कभी ज़रूरत पड़े हेडर एंड फुटर पे कुछ स्क्रिप्ट लिखने की या टैक्स डालने की तो आप डाल सकते हैं, इसका ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे, यहाँ पे मिलने वाला है। और आपको मिल और जो आपका मोनार्च का है, मोनार्च को आपको मिलने वाला है यहाँ से टूल्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं मोनार्च की, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका हो गया सारा काम यहाँ पे। तो चलिए अब हम DB के ऑप्शन में चलते हैं, DB के ऑप्शन में क्या क्या बदलाव करना है इसके बारे में देखते हैं। DB के ऑप्शन में देखिए महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि आपको यहाँ से लोगो इंसर्ट करना है, आपको जो भी लोगो चाहिए आप उसको इंसर्ट कर लीजिए। फेविकॉन क्या होता है, जो छोटा सा दिख रहा है ये फेविकॉन है, यहाँ से इंसर्ट करना है, बस दैट्स इट। इसके बाद में अगर आप यहाँ के फुटर सेक्शन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसे E123 यहाँ पे है, तो अगर E123 पे अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए RSS फीड को अगर आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे लेआउट में जाना है, लेआउट में अगर आप ऑथर का नाम, डेट अगर आप ऑन करना चाहते हैं और थंब्स ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डिसेबल रहने दीजिए। और यहाँ पे भी अगर आप करना चाहते हैं पोस्ट से इंफॉर्मेशन में, अगर इसको आप इनेबल करना चाहते तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो मत करिए। इसके अलावा एड्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो, लेकिन ये इसमें एड्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छा नहीं है, एड्स आप मैन्युअली रूप से इंसर्ट करिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन और SEO के लिए भी यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे योस्ट प्लगइन का। तो ये हमने सारी चीज़ें बेसिक बता दिया है किस तरीके से करना है। अब मैं पेज के बारे में बताता हूँ, पेज क्या होता है, ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं होम से लेकर के इम्पॉर्टेंट तक, और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस, ये पेज का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से पेज बना लेना है। तो यहाँ पे हमने सारा पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं वही सारे पेज हैं यहाँ पे, इस तरीके से करके पब्लिश करना है, आपका पेज का निर्माण हो जाएगा, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब ये पेज के निर्माण हो गए, लेकिन इसको हेडर और फुटर सेक्शन पे लाएं कैसे, तो आपको जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाने के बाद आपको मेनू में जाना है, तो मेनू को देखना है सिंपल तरीके से, यहाँ पे न्यू क्रिएट मेनू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्राइमरी मेनू बनाया है और एक फुटर मेनू बनाया है, तो प्राइमरी मेनू में देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं इसी का निर्माण हुआ, इसको आप सिंपली तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको सब करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो अगर आप ऐसे सब कर देते हैं तो देखिए एक सब आइटम क्रिएट हो जाता है। और फिर हम देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या कहानी होती है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को फिर से देखिए रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए लेटेस्ट का जो है वो यहाँ पे सबमिट हो गया। यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी सब क्रिएट करना है कर सकते हैं। तो चलिए मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फुटर में भी अगर आप कोई नया चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। फुटर के लिए मैंने चार चीज़ें, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस का पेज जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप किसी की चीज़ को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फुटर को चेक किया है और सेव किया है। तो इतना सा काम किया है मैंने। अगर आप कस्टम लिंक या पोस्ट का कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। और आपको प्रोजेक्ट या कस्टम लिंक कैटेगरी कुछ भी अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने यहाँ पे मीनू में तो आप उसको कर सकते हैं, उसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है। फिर उसके बाद में आपको दो काम और कर लेना है। आपको चलना है सेटिंग्स में, ये आपका काम हो गया। आपको सेटिंग्स में चलना है। सेटिंग्स में चलने के बाद आपको परमा लिंक पे चलना है। परमा लिंक में चलने के बाद आपको देखना है कि आपका परमा लिंक सही से है कि नहीं। ध्यान रखें पोस्ट नेम पे क्लिक होना चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट .com/ आप सिंपल पोस्ट नाम हो, SEO के लिहाज से सही रहता है। जब आप पहली बार वेबसाइट बनाते हैं मतलब डैशबोर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है आपका ऑप्शन इस पे रहे। और इसके बाद सेव कर देना है। अब आपको लगभग आपका यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको रीडिंग में चलना है। रीडिंग में आपने यहाँ पे एक होम पेज क्रिएट किया होगा, उस होम पेज को वो रियली में, तो अभी होम पेज नहीं है यहाँ पे। अब इसको रियली में अगर होम पेज बनाना है तो आपका शुरू में ऐसे रहेगा, फिर आपको यहाँ पे होम पेज पे या जाके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको सेव कर देना है। बस आपका ये एक्चुअल में अब होम पेज बन गया। अब स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि आपका होम पेज यहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ है। तो जस्ट मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे होम पेज की तरह। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम लिखता हूँ, अगर होम पेज लिखता हूँ और इसको मैं अगर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जस्ट देखिए पब्लिश मैं करता हूँ यहाँ पे। पब्लिश करने के बाद आपका एक होम पेज क्रिएट हो जाएगा और मैं मानता हूँ इस होम पेज को आपने एक्चुअल में होम पेज बना लिया हुआ है। इस पोस्ट को देखेंगे तो सिंपल तरीके से आपको दिखेगा, कोई फ़र्क नहीं। तो आपको यहाँ करना है इनेबल, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये देखिए आपका इनेबल विजुअल बिल्डर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि होम पेज का जो आप इस्तेमाल करेंगे वो इनेबल विजुअल बिल्डर से ही प्रयोग करेंगे, मैन्युअली रूप से कभी नहीं करना है आपको, नहीं तो आपका पेज बेकार हो सकता है, तो बेकार हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आपको करना है, जैसे आपको एडिट करना है तो हमेशा इनेबल टू विजुअल बिल्डर करना है। तो आपको जस्ट यहाँ पे देखिए जस्ट आपको वेट करना है यहाँ पे 1 सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे देखिए आपको हमेशा विजुअल बिल्डर का ही प्रयोग करना है और चीज़ों का आपको यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है यहाँ पे। तो इतना है। और आपको अगर इस पे डिफ़ॉल्ट एडिटर के रूप में करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो फिर से ये रीसेट हो जाएगा उसी तरीके से, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कर लिया। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का है, यहाँ पे जितनी भी जैसे ब्लू कलर का है तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आएगा। और यहाँ से कुछ डमी प्रोडक्ट होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, वो बनी होती हैं, आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई चीज़ सेव है तो उसको भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कर्सर अगर ऊपर लेके आते हैं तो देखिए ये ब्लू है, ये ग्रीन है और अंदर ब्लॉक है। तो जो मॉड्यूल है यहाँ पे, इसे जो ये मॉड्यूल मौजू है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है कि पहले तो यहाँ पे जब हटा देंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नीचे सेक्शन में रेगुलर फॉन्ट में देखिए बहुत सारा आता है कि आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं।
तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखिए हमने ग्रीन का किया तो यहाँ पे एक सेक्शन का निर्माण और हो गया। सिंपली तरीके से आप इसको डिलीट करते हैं, ऐड न्यू रो में कर सकते हैं कि आपको कितना रो, अगर हमें 3 रो इंसर्ट करना है तो 3 रो में क्या चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ। इसी तरीके से आपको वेबसाइट का निर्माण करना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का, तो इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे इस होम पेज के साथ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे करना है इनेबल विजुअल बिल्डर का प्रयोग, इनेबल विजुअल बिल्डर का प्रयोग करना है और आपको जस्ट वेट करना है और आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसी बनी हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, ऊपर एक सेक्शन लिया हुआ है, देखिए ब्लू सेक्शन है, ब्लू सेक्शन में केवल एक हमने लिया हुआ है मोजो, और इस मोजो का नाम है कोड ब्लॉक, कुल कोड ब्लॉक मॉड्यूल हमने लिया है और उसमें हमने कुछ कोड इंसर्ट किए। ये कोड कहाँ से मिलेंगे, गूगल पे सर्च करिए मार्क्यू, मार्क्यू का कोई भी कोड आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा ये देखिए मार्क्यू सेक्शन है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए सिंपल तरीके से अगर मार्क्यू से ओपन करते हैं मार्क्यू से ऑफ करते हैं तब भी उसके बीच में जो लिखेंगे वो एक मार्क्यू सेक्शन बनेगा, और हमने वो मार्क्यू लगाने के बाद यहाँ पे कर दिया। कलर बदलना है तो आपको जाना है फिल्टर में, और फिल्टर से यहाँ से आप कलर में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर पे आप देखिए, यहाँ पे फिल्टर पे प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ सिंपली तरीके से आप बदलाव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा नया ऑप्शन आया है, लेकिन पुरानी जो डीवी थीम है उसमें नहीं है, यहाँ पे स्पेसिंग है और इन सारी चीज़ों को आपको टच नहीं करना है, तो आपको पता चल गया कि कैसे करना है। सेकेंड चीज़ है देखिए यहाँ पे एक जो ब्लू बॉक्स है इसमें 2 ग्रीन सेक्शन है, 1 ग्रीन सेक्शन और 2 ग्रीन सेक्शन, इसमें जो है चार चार ब्लॉक हमने लिया हुआ है 1 2 3, और इसमें प्रयोग हुआ है बटन का, तो बटन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे सिंपली तरीके से देखिए, बटन का जो प्रयोग हुआ हो लिंक यहाँ पे इंसर्ट करना है, जो भी आप पोस्ट लिखेंगे उसका लिंक इंसर्ट करना है, और उसका जो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है ये RO ARO दिख रहा है उसके लिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इंसर्ट करनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद है तो यहाँ पे आपको जाना है बटन में, बटन में जाने के बाद यहाँ से आपको अपना कलर में बदलाव करना है, यहाँ पे जो भी बदलाव आप करना चाहते हैं सिंपली तरीके से कर सकते हैं, आपका कलर बदल जाएगा, तो आपको जो भी बदलाव करने हैं सिंपली तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है बटन्स में, बटन्स में इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 सेक्शन हो गया एडिटिंग, इसी तरीके से आपको करनी है सिंपल तरीके से 8ों में, और उसके बाद ये देखिए मॉड्यूल आया है, और ये जो मॉड्यूल आया है यहाँ पे देखिए 3 मॉड्यूल आया है, होता है एक नया सेक्शन, नया सेक्शन जो शुरू होगा वो होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3, ये जो ग्रीन में है मैंने 3 मॉड्यूल इंसर्ट किया है, देखिए यहाँ पे 3 आपको लेना है रो, और ये 1 रो लेना है, 3 कॉलम का सेक्शन लेना है। यहाँ पे मैं कब से मॉड्यूल इसे कह रहा था, मॉड्यूल ये है, इसे मोजो भी कहते हैं, तो आप ये देखिए इंसर्ट यहाँ पे हमने इसका इंसर्ट किया है, तो लेकिन अब सिंपल तरीके से इसमें आपने कौन सा इस्तेमाल किया है, तो टेक्स्ट मैंने इंसर्ट किया है, टेक्स्ट में मैंने ये देखिए सिंपली तरीके से वर्ड पैड की तरह आपको दिख रहा होगा, तो वर्ड पैड की तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो सिंपली तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसी तरीके से दोस्तों हमने हर ब्लॉक को लिया है, उसमें सब में टेक्स्ट मौजू है, टेक्स्ट मौजू में यहाँ पे डिज़ाइन पे जाना है, डिज़ाइन पे अगर आप कलर बदलना चाहते हैं इन सारी चीज़ों का तो आप इस तरीके से यहाँ पे आपको जाना है, आप सिंपल तरीके से बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे 10 पिक्सल हमने रखा है उसमें बदलाव कर सकते हैं, और ये रहा कलर,
तो इसकी साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये रहा इसमें, इसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हेडिंग नंबर 5 का प्रयोग किया गया है, इसमें टाइपोग्राफी का इस्तेमाल किया गया, तो उसको हम बाद में देखेंगे तो कैसे करना है। आपको टेक्स्ट जो यहाँ पे हेडिंग नंबर 5 का रखना है वो रखना है आपको वाइट। तो वाइट आप दो जगह से रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं और अलग से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ का फॉन्ट हमने कर दिया है हमेशा के लिए, आप इसमें कैपिटल लेटर कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 5 को हमने हमेशा के लिए कर दिया है रेगुलर फॉन्ट में, तो ये हमेशा ऐसे इस तरीके के फॉन्ट में हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए। यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट में आपको जाना है। टेक्स्ट में देखिए हर चीज़ को आपको सिंपली तरीके से केवल जैसे मैनेज होता है वैसे ही आपको करना है। इसके स्पेसिंग की प्रॉब्लम आपको खुद मैनेज करना है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ यहाँ से डिलीट करते हैं तो वो छोटा बड़ा अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, तो आपको खुद देखना है कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर पाएंगे। तो आप सिंपली तरीके से आप ये सारी चीज़ें जान गए होंगे। इसी तरीके से हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे इंसर्ट किया है, और यहाँ पे नीचे कॉर्नर में देखिए हमने एक बटन का प्रयोग किया है। तो हमने एक नया बटन लिया और बटन को हमने इंसर्ट किया। बटन पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टेक्स्ट को रखना है आपको तकरीबन जो आपके टेक्स्ट की टेक्स्ट हो लाइट हो, और बटन में दो है जो है तकरीबन 12 पिक्सल यहाँ पे हमने किया है, और इसका बैकग्राउंड इस तरीके से है तो बैकग्राउंड दिख रहा है, और इसके सेटिंग में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। और इसका अलाइनमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलाइनमेंट हमने किया है इसका राइट में। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट है राइट में, तो लेकिन ये ऊपर कैसे गया, ऊपर ऐसे गया। यहाँ पे आपको जाना है डिज़ाइन में, पर्टिकुलर ब्लॉक में, और वहाँ पर जाना है, फिर आपको यहाँ पे स्पेसिंग में जाना है। स्पेसिंग में जाने के बाद ये देखिए मैंने -25 पिक्सल किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे -25 पिक्सल करना है। जैसे अगर यहाँ पे हम 20 पिक्सल कर दे तो देखिए क्या हुआ, तो ये नीचे चला गया यहाँ पे ये, तो अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं तो ये देखिए ऊपर आ गया। तो इस तरीके से मैनेज करना है, और यहाँ पर लेफ्ट में 3 पिक्सल कर देना है ताकि थोड़ा सा स्पेस बने आपके बटन्स के उसके लिए जो आप बुलेट यहाँ पे देते हैं, यानी आप ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जो देते हैं उसके लिए। यहाँ पे बस इतना सा काम था, सिंपल तरीके से आपको ऐसे सारी चीज़ों को करके आपको करना है मैनेज, और फिर हम आपको बताएंगे कैसे एक पोस्ट इंसर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पे देखिए सिंपली तरीके से आपको सेव करना है और एग्ज़िट हो जाना है, बस दैट्स इट, आपका काम हो गया। यहाँ पे आपकी वेबसाइट हो गई अपडेट, और यहाँ पे चलना है अब आपको हम बताते हैं कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में थीम कस्टमाइजेशन में चलना है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको चलना है विजिट में। विजिट में दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कस्टमाइजेशन को देखेंगे। विजिट में देखिएगा मैंने 3 ईमेल सब्सक्राइबर के लिए ईमेल सब्सक्राइबर का एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, लेकिन मैंने कहा था ब्लूम का इस्तेमाल करिए या ईमेल सब्सक्राइबर का। तो आप अगर दोनों में से कोई भी एक ही प्रयोग करना है, जो भी आपको इच्छा हो, अगर मेल चिम्प का या मेल पोएट का इस्तेमाल करते हैं या आपको इच्छा है तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लूम का वहाँ से आप फॉर्म पे सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, और एक पॉपअप ऐड बहुत खूबसूरत तरीके से आप दिखा सकते हैं। एलिगेंट थीम में अगर आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत, जब आप प्लगइन्स के बारे में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लूम के बारे में, और यहाँ पे देखिए यह ब्लूम है, ब्लूम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बहुत ही खूबसूरत एकदम देख सकते हैं किस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं फ्री में, और इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इससे अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप अपनी वेबसाइट को, किस तरीके से आपको ईमेल सब्सक्राइबर की सारी चीज़ें देनी है। तो ये काम है ब्लूम का। और लेकिन अच्छी थोड़ी सी अच्छी बात ये रहती है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल, जैसे ईमेल सब्सक्राइबर का प्रयोग इसी में करते हैं, लेकिन अगर आप मेल पोएट या मेल चिम वो ईमेल मार्केटिंग के लिए ही केवल है, तो वो बहुत सारी बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे जा कर के कस्टम पे वो उसका API यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं।
तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रीवियस ट्यूटोरियल में, आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मेलचिंप या मेलपोइट का इस्तेमाल करना है, बट मेलचिंप बेटर है, आपको जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम सेकंड चीज़ हमने मोनार्च का फॉलो बटन का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे सिलेक्ट जॉब, यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी में हमने डाला था, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया है इस पर हमने, और ये फॉलो बटन मोनार्च का है जो कि डीबी के द्वारा दिया गया है। तो इसकी सेटिंग्स हमने कहाँ से की है, इसकी सेटिंग्स हमने की है यहाँ से क्या कहते हैं, टूल्स में। टूल्स में मोनार्च की सेटिंग के बारे में चलिए एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में हम कस्टमाइजेशन के बारे में करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए साइड बार और इन लाइन का प्रयोग किया है, नेटवर्क में हमने इतना नेटवर्क चूज़ किया हुआ है। साइड बार की सेटिंग में देखेंगे तो हमने ये देखिए, हमने यहाँ पे सर्कल यूज़ किया है, सर्कल में लेफ़्ट साइड यूज किया है, और यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपको कहाँ कहाँ दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं। उसके अलावा इन लाइन में भी आप ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं होम पेज पे, जहाँ जहाँ पे भी आपको दिखाना हो। तो हमने लगभग पूरी सेटिंग यहाँ पे की हुई, आपको केवल क्या करना है, पेज पे ही क्लिक करना है होम पेज, और इस पे नहीं रहने देना है क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें अगर पॉपअप में अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो इसको डिसेबल करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फ्लाई इन ये भी ऑन मीडिया के लिए भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट के लिए आपको करना क्या है, नेटवर्क में फॉलो का, सोशल फॉलो बहुत ज़रूरी है। सोशल फॉलो में देखिए यहाँ पे हमने 500 200 ये किया हुआ है, इसीलिए ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फेसबुक पेज का और ट्विटर का यहाँ पे लिंक इंसर्ट करना है आपको। तो अगर हम पोस्ट पे जाएं, पोस्ट पे जाएं, अगर हम देखें यहाँ पे कोई पोस्ट है, तो एक सिंपल तरीके से पोस्ट लिखी गई है। तो इस पोस्ट पे अगर हम क्लिक करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देखिए फेसबुक का एक खूबसूरत सा बॉक्स बन के आ गया है। आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करना है कि आप देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ कस्टमाइजेशन में, कस्टमाइजेशन के जर्नल ऑप्शन में चलता हूँ। जर्नल ऑप्शन में टेपोग्राफी में आपको पर्टिकुलर डीबी थीम की टेपोग्राफी को मैनेज करने का अवसर मिलता है, तो आपको जो भी बदलाव करने हैं कर लीजिए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बदलाव आपको करने की ज़रूरत है। उसके अलावा लेआउट में बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे यूज कस्टम पे अनचेक रहता है, इसको चेक करके और साइड बार की विड्थ को तकरीबन 28 या 29 पिक्सल करना है, जो कि पहले कम था। तो ये आपको ध्यान देना, बस इसमें इतनी सी सेटिंग करनी रहती है। बैकग्राउंड वगैरह में अगर आपको बदलाव करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए। हेडर एंड नेविगेशन की बात करते हैं, तो हेडर एंड नेविगेशन में देखिए आप कई तरीके से अपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो आप कर सकते हैं, स्लाइड में कर सकते हैं, और आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो बट मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, अगर आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप वर्टिकली भी चुन सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से इस साइड का भी आप चुन सकते हैं, और वर्टिकली में आपको भी लेफ़्ट राइट में जो भी चुनना है इस साइड में भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा अपना दे दिया गया है कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली तरीके से हम अभी डिफ़ॉल्ट का प्रयोग करते हैं, और डिफ़ॉल्ट का प्रयोग करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं आगे। डिफ़ॉल्ट में प्राइमरी मीनू बार में चलते हैं, प्राइमरी मीनू बार में लोगों की हाइट को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो लोगों की हाइट को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, मैंने रहने दिया डिफ़ॉल्ट। आप मेनू हाइट को भी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी इसको रहने दिया डिफ़ॉल्ट, और इसके पिक्सल को 15 पिक्सल कर सकते हैं, और 15 पिक्सल इज़ बेटर। यहाँ पे फॉन्ट भी बदल सकते हैं गूगल का, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो इसका है आप बदलाव कर सकते हैं, अदरवाइज़ सारे कलर अच्छे हैं। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेनू में के लिए भी, सेकेंडरी मेनू का जो आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जो सब मेनू का इस्तेमाल करना था उसका, अगर आप सॉरी सेकेंडरी मेनू का इस्तेमाल ऊपर के लिए करते हैं, जो वहाँ पे एक और छोटे छोटे बन के आ जाएंगे, अगर वहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। उसके कलर वगैरह को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेकेंडरी मेनू नहीं है तो यहाँ पर चर्चा करने कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों को हाइड करना चाहते हैं तो लोगों को हाइड कर सकते हैं,
जैसे ही स्क्रॉल बार को आप डाउन करेंगे यहाँ पे आपका लोगो हो जाएगा हाइड। अगर इसके अलावा आप सब कुछ रहने दीजिए, सिंपली तरीके से प्राइमरी मेनू के कलर को आप बदल दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। नीचे आपको चलना है हेडर एलिमेंट में। हेडर एलिमेंट में देखिए यहीं पे है कि अगर सोशल आइकॉन यहाँ पे ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा ऊपर, लेकिन आपको मेनू में जा करके एक नया मेनू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली तरीके से अगर आपको मोबाइल नंबर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, तो ये आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार पब्लिश करना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पब्लिश होने के बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसका लाइव नहीं दिखता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए फुटर में जाना है, फुटर में देखिए यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको फुटर में जाना है। फुटर में जाने के बाद देखिए लेआउट में आपको कुछ नहीं बदलाव, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं फुटर के लेआउट में। तो यहाँ पे हमने फुटर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया, विजिट की बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। यहाँ के फुटर एलिमेंट में शो आइकॉन, अगर आप यहाँ का आइकॉन हटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे अनचेक कर दीजिए। और यहाँ पे फिर नीचे जाने के बाद देखिए मेनू पे आते हैं, मेनू पे भी अगर आपको कोई बदलाव करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने सारी सेटिंग कर दी है। कलर वगैरह आप बदलना चाहते हैं फुटर के बैकग्राउंड को तो बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ हमने सेट कर दिया हुआ, अगर आपको इच्छा है तो बदलाव कर सकते हैं। फुटर के जो ये बॉटम बार है इसके कलर को अगर आप बदलना चाहते हैं कर सकते हैं। कॉपीराइट का कंटेंट यहाँ पे आप सिंपली तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है आप क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही जो मोटी मोटी हमने यहाँ पे बता दी है। और यहाँ पे कोई भी, और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इसको टाइपोग्राफी में चलना है। टाइपोग्राफी में चलने के बाद यहाँ पे आपको हेडिंग नंबर 5 को टच करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है दो चीज़ों को, अपेयरेंस में जाना है, यहाँ पे कलर को जो 6 बार F यानी वाइट होना चाहिए, वाइट होने के बाद बैकग्राउंड को करेंगे तभी ये वाला कलर यहाँ पे इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वही बन के आया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली तरीके से एक कोना बन के आया है जिस पे यानी रेडियो है, तो यहाँ पे पोजीशन पे जाना है, पोजीशन पे आपको जाना है बॉर्डर रेडियो पे, और यहाँ पे बॉटम के दोनों साइड पे मैंने 22 पिक्सल और 24 पिक्सल लिया हुआ है, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको भी अगर 24 पिक्सल ये देखिए घटा बढ़ा सकते हैं, आपको जिस तरीके से करना है कर सकते हैं। ओके, तो ये भी अगर आप यहाँ पे भी आप घटाना बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको भी 23 23 पिक्सल करता हूँ। अब ये हमने यहाँ पे सारी सेटिंग कर दी, ये आपकी सेटिंग हो गई सेव, यहाँ पे कम्प्लीटली हमने आपको सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पे अब यहाँ पे मेनू पे ऑलरेडी मैंने होम पेज ये सेटिंग CSS कस्टम सेटिंग्स अगर आपको इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो ये तो मैंने इंसर्ट किया है। किस लिए? ये टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइटों के लिए टेबल में यहाँ पे उस तरीके का टेबल नहीं आता है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण CSS में बदलाव किया है और हेडिंग में भी बदलाव किया है कि हेडिंग नंबर 2 का जो स्पेस हो उसका मार्जिन कम हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे है ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ से इसको हटते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें लिखना है एक पोस्ट और पोस्ट को होम पेज पे पब्लिश करना है, बस इतना सा काम बचा है और इसके बाद हम लोगों का हो जाएगा सेव सब कुछ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग के लिए थोड़ी सी। तो दोस्तों पोस्ट जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, यही आपका मेन आर्टिकल, आपको न्यू पे जाना है, पोस्ट पे क्लिक करना है, अदर आप यहाँ पे भी जा करके आप नई पोस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे इसको मैनेज करना है। पोस्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है, जिस तरीके से आप एक बुक देखिए, आप किताब पढ़िए, जिस तरीके से आप मतलब लोगों को दिखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, कोई दिक्कत ना आए, बस ऐसा चीज़ आप ऐसे आर्टिकल लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल की प्रॉब्लम सबको बहुत क्रिएट होती है,
मैं टेबल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे तो बनाना जानते ही हैं किस तरीके से टेबल क्रिएट किया जाता है। तो आप जब यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएट करना जानते हैं वर्ड पैड में, तो इतनी सारी जानकारी तो मैं मानता हूँ अगर आप वेबसाइट के बारे में जान रहे हैं तो टेबल के बारे में यहाँ पे वर्ड पैड में कैसे काम किया जाता पता ही होगा। लेआउट में महत्वपूर्ण ये है कि आप लेआउट में जाइए, लेआउट में ऑटो फिट विंडो कर दीजिए। ऑटो फिट विंडो से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से मैनेज करके देख सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसको सिंपली तरीके से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कलर वगैरह मत दीजिएगा। जो यहाँ पे कलर है मैंने यहाँ पे उठा के पेस्ट किया है, कलर वगैरह मत दीजिए, सिंपली तरीके से टेक्स्ट ही लिखिएगा केवल। और उसके बाद यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट। तो देखिए कलर नहीं आया और ना ही फॉन्ट आया, ज़रूरत नहीं है, सिंपली तरीके से तेज़ी से लिखिए क्योंकि वो सारी चीज़ को ये इग्नोर करता है। यहाँ पे करना क्या है, आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर वगैरह देना तो अब इतना नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपको कलर देना है। आपको इसको बीच में करना है तो बीच में कर लीजिए, इसी तरीके से आपको ये मैनेज करना है। देखिए इंसर्ट लिंक में देखिए, यहाँ पे हमेशा जब करेंगे तो यहाँ पे न्यू फॉन्ट में मतलब ओपन करने के लिए आप रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि न्यू फॉन्ट पे जब करेंगे तभी वो दूसरे टैब में जाएगा, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट पे ही वो नया फॉन्ट ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरी वेबसाइट का जब भी लिंक दीजिए वो न्यू टैब के अंदर दीजिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका ये चेक का निशान हो। यहाँ पे टैग है, टैग के इस्तेमाल के लिए कैसे करना है, टैग के इस्तेमाल के लिए छोटे छोटे कंटेंट, छोटा छोटा टैग आप सर्च कर लीजिएगा। आपको जैसे UPPCS का, उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और रिव्यू का, इस तरीके से आपको टैग का इस्तेमाल करना है। जैसे RO का फॉर्म है, RO का, तो ये एक RO हो गया, एक ARO हो गया, एक हो गया UPPSC का हो गया। इस तरीके से आपको टैग्स का इस्तेमाल करना है। और टैग्स के अलावा जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी भी तो चुननी है, जैसे UPPC PSC SC, तो ये हो गया आपका एक कैटेगरी, और एक कैटेगरी को भी चुन लेना है। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट ऑनलाइन का फॉर्म नाम का एक कैटेगरी ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, तो ये आप चुन सकते हैं। इस तरीके से सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे एक थंबनेल भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो थंबनेल इम्पॉर्टेंट है कि 200x200 कम से कम हो, 200x200। तो यहाँ से आपको सिंपली तरीके से करना है पब्लिश, और आपका हो जाएगा पोस्ट पब्लिश। और पोस्ट जब पब्लिश हो जाएगा तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे करना है, होम पेज पे सबमिट। तो यही चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे देखिए होम पेज पे सबमिट करना है। ये देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पे हो गई, तो यहाँ पे आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आपको देखिए क्या करना है कि आपको होम पेज पे जाना है। सिंपली तरीके से होम पेज को कैसे मैनेज करना है मैं बताता हूँ, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको उसी पेज पे बने रहना है। जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के बारे में अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे इसी को आपको मैनेज करना है, किस पे, इस होम पेज पे। तो आपको इनेबल विजुअल बिल्डर करना है। इनेबल विजुअल बिल्डर करने के बाद आपको इसी में आपको परिवर्तन करना है ताकि होम पेज पे लोग विजिट करें तो वो आपकी पोस्ट शो हो। तो यहाँ पे देखिए करना है सिंपली तरीके से, आपको पहले क्या काम कर लीजिए, यहाँ पे से इसको कॉपी कर लीजिए। सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म पे भी अगर, या ऑल इंडिया जॉब पे भी कोई क्लिक करे तो वो दिखे, तो मैं लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म पे करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि आपको जाना है यहाँ पे, कर देना है, मैंने वो जो कॉपी किया था यहाँ पे आपको कर देना है सिंपली तरीके से पेस्ट। कंट्रोल भी के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं, और इसका एक आप अनऑर्डर लिस्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लिंक पे जाइए, लिंक पे जाने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करिए तो नीचे ऑलरेडी बहुत सारा लिंक्स आएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट के बारे में आया है, तो ये प्रीवियस URL था इसीलिए इसके बाद में ये सारी चीज़ें बनी हैं।
ये देखिए आ गया है लिंक और इसको आप इंसर्ट कर दीजिए। आप लिंक कस्टम तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ का लिंक ऐसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, बस दैट्स इट। यहाँ पे आप अंडरलाइन देना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या है कि अब ये करने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यूएल और एलआई के बीच से जो के बीच में एलआई है, एलआई सेक्शन को कंट्रोल सी के माध्यम से कॉपी कर लेना है। और देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये पहले वाले सेक्शन में, तो ये देखिए एलआई से एलआई तक का मैंने हटाया और उसकी जगह पे ये हमने पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो ये देखिए हो गया। यहाँ पे देखिए अगर हमें मान लीजिए पीपी पीसीएस आरओ एआरओ पहले ऑलरेडी लिखा गया है और लिंक हमें कॉपी करना है, तो ये देखिए लिंक मैंने यहाँ से कर लिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जो भी बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ से। तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको करना है लिंक इंसर्ट, हैश का भी निशान लगा हुआ है, आपको अपना लिंक इंसर्ट कर देना है। ये दोनों काम हो गया है यहाँ से आपका, इस तरीके से करना है। इम्पॉर्टेंट ये है, इसको सावधानी से देखिएगा, यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। जहाँ पे हैश लिखा है वहाँ पे इसको लिंक इंसर्ट करना है पहले में, तब भी कोई चीज़ बदलाव नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में जब हैज़ लिखा था और उसके बाद में देखिए राजस्थान हाई कोर्ट का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए लाइन वो हट गई। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी आपको करेक्टर इंसर्ट करना हो रिलेटेड इससे, ए आर ओ आर ओ, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया, और जैसे ही आप इसके टेक्स्ट को आगे पीछे करेंगे उसकी जो अपनी जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। यहाँ के कलर्स को अगर बदलना चाहते हैं तो आप कलर्स वगैरह बदल सकते हैं, तो कलर्स पे अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप अगर थोड़ा सा धुंधला रखना चाहें तो भी आप बदलाव वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और फिर इसको भी यहाँ से हम हटा ही देते हैं। तो चलिए यहाँ ये आपका काम हो गया, और उसके बाद में कोई यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे डिज़ाइन में जा करके आपको एक फ़िल्टर का नया ऑप्शन आता है। यहाँ से फ़िल्टर का मतलब यहाँ पे नहीं होता, लेकिन अगर आप फ़िल्टर करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, यहाँ से कलर में बदलाव कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं और आई होप ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन का लिंक यहाँ पे पर्टिकुलर पेज का है, और यहाँ पे अगर कोई लिंक गलत है यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, तो इसको इस तरीके से मैनेज करना है आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंट्रोल भी जाना है और इस लिंक को यहाँ पे मैनेज कर लेना है। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें देखिए न्यू टैब में ओपन हो रही हैं कि नहीं, तो बेटर रहेगा। यहाँ के स्पेस वगैरह को सब कुछ बेटर है, एडसेंस वगैरह जब मिलेगा तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप लगा सकते हैं होम पेज पे। तो ये सारी चीज़ें आई होप, अब मैंने जितना भी काम किया होम पेज पे, जो हमने होम पेज पे पब्लिश किया वो सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ओके, इतना सारा वर्क तो कर रहा है यहाँ पे, देखिए दैट्स इट गुड, यहाँ पे देखिए वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये देखिए, और हमारा वर्क यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था तो ये भी वर्क करना चाहिए। तो ये देखिए ये वर्क सारी चीज़ें कर रही हैं, तो आपको ध्यान देना है सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे सारी चीज़ों को करना है, बहुत सरल, बहुत ही अच्छा
सबसे अच्छी बात होती है एलिगेंट थीम के बारे में। एलिगेंट थीम बहुत ही पावरफुल थीम है और एलिगेंट थीम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली थीम है। तो अगर हम टॉप मोस्ट थीम की बात करें तो एलिगेंट थीम सबसे ज़्यादा सेल होने वाली थीम है। सेकंड है एवाडा। एवाडा इस पे वर्क नहीं करेगा। तो अगर ऐसी वेबसाइट चाहिए, ये मल्टीपर्पज़ और इस वेबसाइट को किसी भी रूप में ला सकते हैं आप, तो बहुत ही हेल्पफुल है और इतनी सस्ती भी नहीं है। अगर आप फ्री में 10, 20, $30 के बारे में सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है एलिगेंट थीम का अपना एक प्राइस है, $89 की एक प्राइस है। तो अगर यहाँ पे आप ज्वाइन होते हैं तो $249 की कॉस्ट पड़ती है लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। बट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस थीम में देखिए, जैसे सिंपली तरीके से हमने यहाँ पे अपीयरेंस पे हम गए, अपीयरेंस में जाने के बाद देखिए आपको थीम में ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन मिलता है। जस्ट क्लिक करिए, आपकी थीम हो जाएगी अपडेट। तो जस्ट आपको अपडेट करना है और आपकी थीम हो जाएगी अपडेट। यहाँ पे देखिए गूगल सर्च कंसोल, इसमें दो चीज़ें बची हुई है, गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट क्रिएट करना है और गूगल सर्च कंसोल का है। तो गूगल सर्च कंसोल का एक बनाने के बाद इसका और दोनों का कोड इसमें इंसर्ट करना है और हमें योस्ट प्लगइन पे भी काम करना है। तो इतना सा काम हम लोगों को कर लेना है, उसके बाद पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। मेहनत करिए, बेहतर आर्टिकल लिखिए बेहतर सोच के साथ और पॉजिटिव रहिए, हताश मत होइए। ऐसी वेबसाइटों पे लोग हताश हो जाते हैं, तो वर्क करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। आई होप जब तक ये थीम अपडेट होती है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपका सुझाव है, कुछ आप नया जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थीम हो गई अपडेट। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आती है, तो क्यों नहीं पसंद आते उसको भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और आप हमारे साथ बने रहिए और अन्य आने वाले वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।